हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आम का अचार बनाएंगे। ये आम जो काट लिए हैं, उसकी गुठली जो है जो निकाले हैं, इसको रख दे बाल्टी में। आम मेरा कट गया है, दो बोरी में निकाल रखे। चले इसको फैला देते हैं रात भर, बढ़िया हवा लग जाएगी थोड़ा सा। सुबह जो है इसको तैयार करेंगे मसाला। शाम को काट के हम चिमनी रख दे रहे हैं, इसको पहुंचवाना है अभी। इसके हम लाए थे आज, उनको देर हो गई दिया बत्ती भी करने में, इसी में लगे रहे। बहुत देर से शुरू भी किया, उनको थोड़ा टाइम भी लगा इसको काटने में। पहली बार तो आम का अचार काट रही हूँ। आम का अचार नहीं, मतलब आम काटे हैं अचार बनाने के लिए। जब वहाँ मैके में रहते थे तो वहाँ पे मम्मी काटती थी, यहाँ जब से आए मम्मी अपना काटती थी, बनाती थी, मसाला हम ही तैयार करते थे, बाकी सब कुछ मम्मी ही करती थी। अब की बार मेरी माता जी गई हैं घूमने, अब वो आएंगे तो अचार अचार बनाए रही उनके लिए, खुश हो जाएंगी। हाँ, आपकी बार अचार बन गया है। नहीं तो हर बार मम्मी काटती है आम। पहली बार काटे, हाथ में एकदम लाल हो गया है। ये देखिए, नस चढ़ गई है यहाँ पे, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए गाइस, आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ आम का अचार बना कि नहीं। मेरे हाथ नहीं बना था, थोड़ा सा बना लिए हैं, थोड़ा सा घर से भी आ गया था, तो वहां से मम्मी भिजवा दी थी यहाँ, फिर हम कहे थोड़ा सा बना ले हम भी, और साल भर के लिए हो जाता है, बिना अचार के नहीं चलता है। आज जितना खाना रहे, कोई आ जाता है लगता है कि अचार ले आओ। आम के अचार का अलग ही स्वाद रहता है, चाहे जितना तो कुछ बना लो। अभी आज हम पूजा वूजा कुछ नहीं किए हैं, अभी चल रहे हैं जो है, बेचारे बर्तन भी नहीं धुल पाए हैं, किसी में लगे थे तो 3-4 आम काटे थे, जो है खराब क्या है, जो है आधा आधा से पक गया है, बीच में दाग इसमें है। हम तो जिसको रख दें हम अपना दाल में डाल लेंगे। चलिएगा बर्तन धुल लेते हैं चाय वाला। हम लोग को लगता है कोई नस चढ़ गई मेरे हाथ में, इसलिए इतना दर्द हो रहा है। चलो एक आधी रोटी नहीं बनाएंगे और क्या, रोटी बनाने फुर्सत मिली, आराम सब खाएंगे अब चावल सब्जी दाल। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जो है अब घर आम फैला दिए हैं, अब चले हाथ पैर धुल लें। उसके बाद जो है दिया बत्ती का समय हो गया, उसको करना है। अभी बाथरूम में कुछ कपड़ा बचा है, आज हम चले गए थे अपने घर, वहाँ पे होता है देवी मैया जो चटपट देवी को होता है, वहाँ चले गए थे, तो इसलिए आए, तो बाथरूम में कुछ कपड़ा बचा था। आए बहुत देर से, तो हम सोचे अब धूप में क्या डालें, शाम को जब भगवान जी की बत्ती जलाने जाएंगे तो अपना उसी में डाल देंगे, धुल के सूख जाएगा। और आप लोग अचार अचार बनाए कि नहीं आम का? किसके किसके यहाँ आम की बगिया है आप लोग बताइएगा, जिसके जिसके यहाँ हो। यहाँ साफ करते बहुत गंदा है, कहते हैं शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, लगाना पड़ रहा है। नहीं तो पैर में जो है सूखे चिपके गए, और तो लगाते हैं सुबह ही, झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन गौधरिया समाप्त हो गई इसलिए लगा सकते हैं अभी। बाकी कहते रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, न रात में कूड़ा कहते फेंकना चाहिए। अब किनारे से कर दिए हैं, सुबह जो होगा साफ होगा,
शाम को इसको काट लिया तो हमको आसान हो गया है, सुबह के लिए मेरे लिए सही हो गया। अब हम चेन्नई है, सुबह पहुंचवाएंगे। बहुत ज्यादा देर हो गई रात में, चेन्नई चले। बाथरूम में गया, कपड़ा वपड़ा कुछ धुलना है, थोड़ा ही धुल लेते हैं इसको। बहुत गर्म पानी आ रहा है, टंकी में उबाल के पानी भरा गया हो, इतना गर्म पानी है जैसे उबाल दिया गया है। हमको लगता है छाला भी पड़ जाएगा क्या, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग से मिलते हैं, जाइएगा नहीं कहीं, कपड़ा धुल के तो आप लोग से मिलते हैं।